हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम अपना मजहब नहीं बदल के शामिल हुए, हमारा मजहब जो है वही है, हम उसी मजहब में हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि हिंदूवादी पार्टी में जाए। अरे कांग्रेस में कौन कौन से उलमा बैठे हैं, कांग्रेस में कौन सा मौलवी बैठा है? आप लोग तो बड़े लोग रिश्तेदारियां भी करते हो आपस में, आप लोगों के तल्लुकात तो सब कुछ है, लेकिन गरीब का बच्चा आम नागरिक अगर बीजेपी के साथ इसलिए हाथ मिलाए कि मेरे इलाके का विकास होना चाहिए, मेरे इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेरे जो लॉस्ट व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति जो लाइन में लगा है, जो लाइन में आखिरी शख्स है, उस तक इंसाफ पहुंचना चाहिए, तो ये पाप नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानता। पार्टी का पटका डालकर उनको भारतीय जनता पार्टी देने वाले, भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान। रेहा चौधरी जी हमारे इस खिते के जनरल सेक्रेटरी हैं एसटी मोर्चे के, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच में आ जाएंगे। मेरे ये भाई साहब हैं, ये भी हमारे एक बड़े नेता हैं, निखिलेश पिछो, मैं इनसे भी कहूंगा कि ये भी मंच में आए। सीधा थोड़े पीछे निखिलेश, थोड़ा पीछे कर कैमरा, पीछे पीछे, सामने सामने निखिलेश, भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी जुल्फिकार जी का आने से हमारे जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ताकत बढ़ी है, और खासकर हमारी जो रजौरी पुंछ की 8 विधानसभा की सीटें हैं, अब वो सारी की सारी हम जीत पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। पार्टी पहले से खिते के अंदर सशक्त है, मजबूत है, परंतु इनके आने से पार्टी को और ताकत मिली है। मैं दिल की गहराइयों से इनको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा।